माध्यम से मैं खाली 3 मिनट में मेरे विचार यहाँ पे प्रकट करती हूँ। आज ये संविधान बचाओ रैली का जो फौजिया मैडम ने कार्यक्रम दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मंच पे इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित पवार साहब जी, तारिक अनवर साहब जी, त्रिपाठी जी, माजिद मेमन साहब जी, हमारी अध्यक्ष महाराष्ट्र से आई हुई चित्रावा, हमारी सांसद, बाकी सब मंच पे बैठे हुए माननीय अतिथिगण और मेरी महिला भगिनी, आज अपने देश में भारत का जो संविधान है वो अपने आप में पूरी दुनिया में एक अलग गरिमा रखता है। भारत के संविधान के प्रति पूरी दुनिया से एक सम्मान की तरफ देखते हैं, क्योंकि इतने अलग अलग जाति धर्म के लोग भारत में इतने अच्छे तरह से रहते हैं, या भारत की पूरी संविधान जो है वो उसे एक जगह पे अपने यहाँ सबको एक जैसा अधिकार देके अपना कार्य करती है। इस संविधान को बदलने के लिए या इस संविधान में अपने खुद को जैसा चाहिए वैसा काम करने के लिए आज की बीजेपी की सरकार बहुत सारे प्रयत्न कर रही है। आज आप देख रहे हैं कि सब पूरे देश में इतना दहशत का वातावरण है कि लोगों को पुलिस के ऊपर भी शक आने लगा है, अपना जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर भी अभी लोगों को विश्वास रखना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर बीजेपी के किसी भी नेता के ऊपर या उनको जो नज़दीकी है उसके ऊपर अगर किसी कोर्ट में केस चल रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट का तो उनको जरा भी भय नहीं है, लेकिन कोर्ट में भी अगर किसी के खिलाफ कोई केस चल रहा है तो वह जभी चाहे तभी जज को बदलते हैं, अधिकारियों को बदलते हैं, और अगर ये नहीं किया तो वह जज के सामने से केस निकाल देते हैं। इतना सारा करने के बाद किसी को न्याय व्यवस्था पे विश्वास होगा या किसी को लगेगा मुझे ये न्याय व्यवस्था में न्याय मिलेगा? आज अगर भाजपा के किसी लीडर को चाहे तो वो जो मन में आए वो कर सकता है, कितने बार उन्होंने दिखाया है। देश में आज लोगों ने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे बर्ताव करना है, ये सब तय करने की हिम्मत ये लोग यहाँ दिखाने लगे हैं। ये इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। आज पूरी मीडिया में मीडिया वाले भी डर रहे हैं कि पूरी सच बात दिखाने के लिए वो आगे नहीं आते हैं, और जो आगे आते हैं उनको जलील किया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उन्हें अपने जान माल की शाश्वत ही नहीं है, उन्हें डर लग रहा है। और जो खुलेआम वातावरण था भारत में कि जिसको जो चाहे वो संविधान की तरफ से दी हुई उसको संरक्षण के बावजूद बात कर रहा था, लिख रहा था या बोल रहा था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा है। भारत में पूरी मीडिया इन लोगों ने खरीद ली है। आप देखो जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में सच बहुत कम आ रहा है, और जो आ रहा है बस इनकी तारीफ किए जा रहा है, जो सच है या गलत है झूठ है ये किसी को मालूम नहीं। इस संविधान की तरफ से हम सबको जो अधिकार मिला है, हम सबको जो प्राइवेसी भी मिली है, और हम सबको बोलने का, कहने का, रहने का, बर्ताव करने का जो स्वातंत्र है वो स्वातंत्र अभी धोखे में आ रहा है, और हम सबकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि ये संविधान हम बचाए। और इसकी शुरुआत जो दिल्ली में हो गई, मुंबई में पवार साहब ने की, उसका एक छोटा सा हिस्सा आज यहाँ फौजिया मैडम ने यहाँ शुरू किया है। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और आप सबको विनती करती हूँ कि हमारा पहला कर्तव्य है हम लोग संविधान बचाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।